दो वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं जो होती है वो साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, दो कन्याओं की पूजा से भोग और मोक्ष प्राप्त होता है, तीन कन्याओं की पूजा अर्चना से धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, चार कन्याओं के पूजन से राज्य पद प्राप्त होता है, पांच कन्याओं की पूजा से विद्या प्राप्त होती है, छह कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और 7 कन्याओं की पूजा से राज्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं की पूजा से संपदा और 9 कन्याओं की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस विधि से करें कन्या पूजन। तो सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए घर में प्रवेश करते ही कन्याओं के उनके चरण जो हैं वो आपको धोने हैं। चरण धोने के पश्चात में आप साफ कपड़े से चरण को पोंछकर पैरों पर अक्षत, पुष्प, कुमकुम इत्यादि उनके चरणों को अर्पण करना है। उसके बाद में उचित आसन पर बैठाकर उनके हाथ में मौली बांधनी है, माथे पर बिंदिया लगानी है, कन्याओं की थाली में हलवा पूरी चने परोसने हैं। अब आप पूजा की थाली जिसमें 2 पूरी और हलवा चने रखे हुए हों चारों तरफ और एक उसके बीच में आटे से बना एक दीपक रख दीजिए। उस दीपक में शुद्ध देशी घी डाल के उसमें बत्ती डाल के उसको प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप कन्या पूजन करें। ओम कौमारी नमः, ओम कौमारी नमः, ओम कौमारी नमः मंत्र से कन्याओं का पंचोपचार पूजन करना है। पूजन के पश्चात में कन्याओं की आरती करनी है। कन्या पूजन के पश्चात में सभी कन्याओं को अपनी थाली में से वही प्रसाद आपको खाने को देना है थोड़ा थोड़ा, और बड़ी ही प्रेम और आत्मीयता से कन्याओं को फिर पूरा भोजन करवाना है। भोजन के पश्चात उनका हाथ धुलाकर कन्याओं को उचित उपहार और जो भी आप भेंट देना चाहते हैं, दक्षिणा जो उनको भेंट देना चाहते हैं वो देनी चाहिए। फिर कन्याओं के पांव में पगतली पे महावर लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर देवी पूजा को संपूर्ण करा जाता है। अगर आपके घर पे हवन का आयोजन किया गया है तो उनके नन्हे हाथों से उसमें संविदा अवश्य डलवाइएगा, आहुति अवश्य डलवाइएगा। भोजन के अंत में इलायची और पान का सेवन भी अवश्य करवाइएगा। इस परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि देवी जब अपने लोक को जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह विदा करना चाहिए, जय माता दी कहकर उनके चरण छुए और उनके प्रस्थान के पश्चात में परिवार के साथ में स्वयं आपको प्रसाद को ग्रहण करना है।